लाइट कैमरा मैजिक होगा इंडियन फिल्म इंडस्ट्री का जज आओ सर जो फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखे विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बार्बी फिल्म। बेस्ट फिल्म जोरम। बेस्ट डायरेक्टर बार्बी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर। बेस्ट एक्टर बार्बी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी। बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी OMG 2 के लिए अमित राय। बेस्ट स्क्रीन प्ले बार्बी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बार्बी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फराज के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
आलिया जी बाय बाय गुड नाइट। ए दीपक सुंदर हां मैं यहां पे सुंदर या मैं यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर मैम फर्स्ट फ्लोर फर्स्ट फ्लोर मैम यहाँ पे यहाँ पे देखिए यहाँ पर सर यहाँ देखिए भाई यहाँ पे हाँ संदर्भ में अरबाज गार्डन में क्या मैम यहाँ पे राजकुमार यहाँ पे सर यहाँ पे सर राजकुमार यहाँ पे सर ऊपर राजभाई यहाँ पे सर सामने एकदम खड़े यहाँ ऊपर ऊपर सर सेंटर सेंटर सर सामने सर यहाँ पे अरे कुतुब क्या कर रहा है यार मैम अब सामने आइए अवंती जी का साथ में रुक रहे साथ में मैम मैम पहले आप पहले सोलो मैम सेंटर देंगे अवंती का क्या क्या मैम ये राइट साइड मैम सामने एकदम सामने यहां पे मैम अवंती का एकदम सामने ये एक एक साथ में आ साथ में आ बस ये बोलते भी लुक क्या सेंटर में देखिए मैम ये क्या आइए मैम इधर आइए जूम नहीं कर सकता अरे ना पाड़ी जूम नहीं कर सकता वन एक मैम आइए ना ये साइड आइए ना थोड़ा बस बस मैम यहाँ पे हम यहाँ पे ऊपर मैम यहाँ पे यहाँ पे मैम यहाँ पे यहाँ पे रखो भाई मैम यहाँ पे यहाँ पे अरे यार अरबाज इन्हीं के हाथ अंदर ले मैम अभी ये क्या हो गया गायत्री यो मैम यहाँ पे भी सामने लिफ्ट गेट या गायत्री मैम यहाँ पे गायत्री यहाँ पे गायत्री
इनको देखो हो गया मैम यहाँ पे थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैम विशाल भाई ऊपर भाई इसको नहीं मिल रहा इसको इसको देखो भाई इसको देखो ये आपका बहुत बड़ा है बहुत बड़ा मचाओ फ्रेंड ओके थैंक यू ब्रो टाइगर भी आपके लिए देखा इसने सब बाद में चले गए फोन दे आज चले गए सब थैंक यू भाई नो नो रिटर्न बेस कर अरे क्या कर रहे हो यार क्या मतलब बोल दूंगा सर सर इधर सर 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 यहाँ पे आप थैंक यू यहाँ पे सामने कौन मचाऊं था थैंक यू संजय हटो हटो यहाँ पे आइए अरे कोई मारने मत डरने भाई मनुष्य मैं इधर हूँ आज और मैं इधर और मैं यहाँ पे बिलाल उधर है जा जल्दी जा अरे यार अरे ये चलेगा इसको चाहिए था फोटो में अपन बताऊंगा जा रहे भाई अरे साइड आ रहे गौरव करो तुम लोग को टैग करूंगा मैं वीडियो बना रहा हूँ टेंशन मत लो भाई बैठ जाओ उसको भी टैग कर बिलाल तू भी जा बिलाल इधर थोड़ा पीछा जाना समझ जरा यार थैंक यू काम कर कैमरा काटूंगा कौन है मजा अच्छा
सोनम सोनम वेट ना सोनम गौरव गौरव आ रहे आइए सर मनोज सर साथ में मनोज सर आइए सर एक सोलो सर कम करो पहले साफ ना सर ऑल ऑफ लुक सेंटर ऑल ऑफ लुक सेंटर या नाउ ऑल ऑफ लुक हियर बाजार बाहर बोल पीछे क्या कर रहा है यार तू गार्डन में सच्ची में मनन सर सर सामने के सामने 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 सर जल्दी ले लो सर यहां पे ऊपर भी मनन सर आपका सो क्या बात है ओटीटी स्टार मनोज सर सामने सर एकदम सेंटर में सर यहाँ पे सर ऊपर मनोज सर इकड़े इकड़े मजा आ गया मनोज सर इकड़े मनोज सर यहाँ पे यहाँ पे इस बात पे सर इकड़े इकड़े खाली सर नीचे नीचे क्या सर लेफ्ट सर मनोज सर सर मनोज सर अरे दावत दो दावत कभी सामने इकड़े मनोज सर आता वरती विनोद सर एक मिनट उद्या उद्या आइए सोनम जी आइए 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 सोनम मैम आइए अरे आ तेरे लिए आ रहे आने देना भाई मेरे लिए आने दे ओ बस 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 अरे मैं खड़ा ना हूँ एक मत बनाओ सोनम जी यहाँ से स्टार्ट करो बस बस यहाँ से सोनम जी एकदम सामने देखो सोनम मैम मैम यहाँ बराबर सोनम मैम ऊपर ऊपर मैम ऊपर मैम यहाँ पे सोनम सोनम जी सामने जान दो जाता अपना बंद करो क्या बात है तुम्हारी पीछे हो तुला पीछे हटो
रुकिए ऊपर 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 आओ, किसको मिला अले के साथ फोटो? फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखे विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म, बेस्ट फिल्म जोरम, बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर, बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट, बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी, बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य, बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव, बेस्ट स्टोरी OMG2 के लिए अमित राय, बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा, बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखे विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है।
आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म, बेस्ट फिल्म जोरम, बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणबीर कपूर, बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी, बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट, बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी, बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल, बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी, बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हट के जरा बच के लिए अमिताभ भट्टाचार्य, बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल, बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव, बेस्ट स्टोरी ओएमजी 2 के लिए अमित राय, बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा, बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। ओएमजी 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड, डेविड धवन को मिला खास सम्मान, बेशरम रंग की मची धूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। ओएमजी 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। ओएमजी 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। अरे अरबाज ये क्या है? क्या भाई ये क्या है? अरबाज मैम यहाँ पे सेंटर में या यहाँ देखिए सेंटर में। अरे भाई कहाँ से बैठ जाते हो भाई? पूरा फ्रेम में आ रहे हो भाई। पाइन एप्पल नहीं आ रहा। थैंक यू।
आइए सर आगे आइए बस यहाँ पे सर वर्ती भाग एकदा सर लेफ्ट साइड भी देखना सर अरे भाई वाह ऊपर 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 वही अरे चिल्ला मत रे भाई मैम यहाँ पे थोड़ा पीछे थोड़ा पीछे हमारे पास पीछे थोड़ा हो गया फोटो का मैम यहाँ पे श्रिया जी सोलो फोटो अरे यार गाड़ी एक मिनट रुक जाओ मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे ऊपर मैम ऊपर देखिए ना एक बार थैंक यू कौन है पराठे सर मैम लेफ्ट लेफ्ट सर मैम या बोथ ऑफ यू या अभी सामने या मैम या मैम या अभी दोनों सामने अभी क्या या 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 पीला लाइट कौन मार रहा है अरे येलो लाइट आ गया यार मैम यहाँ पे ऊपर मैम यहाँ पे सेंटर में सेंटर मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे मैम सेंटर सेंटर पापा दीपक दीपक मारना अरे पागल है क्या यहाँ पे सर ये
सर आइए यार। अरे तिवारी यार क्या हुआ? अरे पूरा हाथ कर लिया है। सामने देखिए चौथी बार आया सर। तिवारी सर सामने देखिए एकदम सामने बेटा वेट वेट। देखो पलट तिवारी का सारा फोटो हो जाने सर। किधर है? मैं बोला तिवारी का फोटो हो जाने सर। यहाँ पे यहाँ पे आयुष भाई यहाँ पे थैंक यू भाई। ये मोबाइल दे भाई। फर्जी स्टार भाई यहाँ पे। अरे क्या सॉरी क्या सॉरी नॉट योर बिग बॉस। थैंक यू भाई। थैंक यू भाई तुम्हारा एक मेरा सेव कर दो। हाथ में नहीं चाहिए। थोड़ा पार्टी का फोटो शूट आता है हमको। नेक्स्ट मार्क मैम मैम यहाँ पे बस मैम यहाँ पे थैंक यू। अनुप सर सर यहाँ पर सर। अनुप सर सावधान रहे सतर्क रहे। अरे अनुप सर अनुप सर यहाँ पे अनुप सर अनुप सर ये क्या पे सर सर ये तो अनुप सर अनुप सर आपके सामने कैमरा फ्लैश दोनों में कोई नहीं सबसे दो मोबाइल इसके पास हो गया। नाइस लुक नाइस 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 क्या बात है नहीं हम कोर के अरे चालू ये मैं इकडे बघा इकडे समोर हां या एकदम समोर एकदम समोर ना। अरे हां इतना दूर मत जा मैम या हां मागे मागे मैम मैम परत एकदा इकडे इकडे बोल दे मैम इकडे इकडे दिया मैम यहां पे दिया मैम यहां पर दिया मैम इकडे इकडे यहां पे यहां पे मैम यहाँ पे ऊपर ऊपर मैम यहाँ पे यहाँ पे मैम ऊपर मैम ऊपर 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 थामा। थैंक यू मैम इकड़े बैठना। हाँ बांद्रा वाले इधर सब बांद्रा वाले ऊपर ऊपर अरे अरे गौरव मैम यहाँ पे यहाँ पे ऊपर हम ऊपर देखिए ऊपर ऊपर करिश्मा जी इधर
बस अब तिवारी झुक देखिए मैं करिश्मा जी यहाँ पे देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे नीचे राइट राइट करिश्मा जी यहाँ पे देखो देखो गौरव गौरव आयुष को फोटो चाहिए तिवारी जी फोटो चाहिए करिश्मा जी अरे गौरव अरे मैं क्या अकेले बोलूं यहाँ सामने सामने थैंक यू बच गए अरे गौरव पेड़ लगाओ आज चावल लगे चावल अरे फेस कवर हो गया दादा 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 फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखे विनर्स लिस्ट बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म बेस्ट फिल्म जोरम बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव बेस्ट स्टोरी ओएमजी 2 के लिए अमित राय बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा ओएमजी 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड डेविड धवन को मिला खास सम्मान बेशरम रंग की मची थूम 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है ओएमजी 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता ओएमजी 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता विदो विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के
शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर, एक्ट्रेस, डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म। बेस्ट फिल्म जोरम। बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर। बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी। बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हट के जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी OMG2 के लिए अमित राय। बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। थैंक यू मैम। आइए कुबरा जी, कुबरा जी आप आइए। मैम
वर्धन भाई आओ ना, वर्धन यहाँ पे, वर्धन भाई यहाँ पे, भाई यहाँ पे, यहाँ पे, भाई यहाँ पे, यहाँ पे, भाई इधर इधर, भाई यहाँ पे, वर्धन भाई यहाँ पे, भाई इधर इधर, भाई सामने, बाजू में बेटा, बेटा, वर्धन भाई, थैंक यू अरे दीप्ति दीप्ति यार शे यार शे दीप्ति सिद्धार्थ निगम और अनुपम सिंह साथ में यार अरे छोड़ यार यही चाहिए
बसरा ने तो खड़े हाँ अरे अरे क्या अंकल आइए श्रुति जी आइए आइए बस 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 श्रुति जी यहीं पे यहीं पे यहाँ पे यही मैं यहाँ पे ऊपर 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 कौन सा कहीं ना मैं ऊपर ऊपर मैम फर्स्ट फ्लोर मैम वीडियो के लिए यहाँ पे ऊपर मैम वीडियो के लिए यहाँ पे मैम मैम यहाँ वीडियो के लिए मोबाइल में कैमरा में अरे ऐसा नहीं नहीं मैम ये लोग कब से मैम यहाँ पे मैम ऊपर मैम अभी फोटो के लिए नीचे मैं फर्स्ट फ्लोर फोटो नहीं हुआ अभी तुम्हारा अबे ले ना तू मोमिन मैम ये मोमिन मैम यहाँ ऊपर वन मोर ऊपर मैम इसको नहीं मिला इसको हाँ मैम एक सिस्टम के साथ इंटरव्यू चालू है मैम मैम एक बार वीडियो के लिए ऊपर विशाल को नहीं मिला आओ भाई इसका अनुष्का के साथ कराया आइए श्रुति जी आइए साथ में आइए आइए मैम आइए सेंटर में ओ वेरी नाइस यहाँ पे ऊपर हाँ नीचे वालों को नहीं मैम अपस्टेज अक्षरा मैम यहाँ मैम अपस्टेज मैम अपस्टेज होता भी लुक सेंटर मैम अपस्टेज अरे बस ना बाबा भाई नहीं मिला रे बाबा लेकिन चार बार अपस्टेज भी बोलेगा थैंक यू मैम ऊपर नहीं देखा बस समझ जा अक्षरा सोलो कंटिन्यू नहीं शंकर अक्षर मैम जिस कैमरा मैम थैंक यू मचाऊंगा फोटो ये तो लो हो गया आइए अनुष्का जी भाई यहाँ पर देखिए सेंटर में भाई यहाँ ऊपर भाई ऊपर प्रतीक भाई ऊपर जो है वेट अंकुर अंकुर फ्रेम में है अंकुर एक फोटो घर ऊपर अरे मत थैंक यू भाई
फ्रेम खाली अनुष्का जी ऊपर अनुष्का ऊपर अनुष्का जी ऊपर यहाँ पे मैम सेंटर देखिए अनुष्का ऊपर यहाँ पे अनुष्का यहाँ पे अनुष्का ऊपर अरे गौरव यार नीचे बैठ जा भाई। अरे भाई ये कौन लिया कब अभी का थैंक यू। अरे उठ मत गौरव। Excuse me. Thank you. यही मिलता only important. मैडम इधर सामने जो इन्हें काट देगा
लुक सेंटर वन लुक अपस्टेयर्स भाई साहब मेरे ऊपर राइट भाई मैम फर्स्ट फ्लोर मैम फर्स्ट फ्लोर मैम यू आर सीनियर एक्सक्यूज मी शाइनी यू आर सेंटर मैम मैम यू आर वेट अप वेट 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 वन लुक हियर थैंक यू मैम एक बैक टू फ्रंट विजय भाई यहाँ पे यहाँ पे भाई भाई विजय भाई ऐसा मत करो यार एकदम सामने देखो यहाँ पे सर विजय भाई यहाँ पे विजय सर यहाँ पे सर यहाँ पे विजय भाई विजय सर विजय सर विजय भाई यहाँ भाई तू नीचे आ गया प्लेन में लाइट ड्रॉप कर दो सर यहाँ पे यहाँ बस 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 यही चाहिए विजय भाई ऊपर सर सर विजय सर विजय यहाँ पे विजय भाई विजय भाई यहाँ पे भाई भाई बस बस ये सेंटर में विजय यहाँ पर विजय विजय सर यहाँ पे विजय भाई फर्स्ट फ्लोर राइट 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 ऊपर सामने थैंक यू क्या बात है लुक सेंटर ये बोले मैंने भाई अरबाज अरबाज पीछे अरबाज हो गया हो गया मैम यहाँ पे मैम यहाँ पे उबरा मैम शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड देखे विनर्स लिस्ट बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता 69th फिल्म फेयर अवार्ड की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म बेस्ट फिल्म जोरम बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर बेस्ट एक्टर बारहवीं फेल के लिए विक्रांत मेसी बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शवाना आजमी बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव बेस्ट स्टोरी ओएमजी 2 के लिए अमित राय बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा ओएमजी 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड डेविड धवन को मिला खास सम्मान बेशरम रंग की मची थूम 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फेल ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है
OMG 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जराहट के जरावचकी के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फड़े के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ओस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म। बेस्ट फिल्म जोरम। बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणबीर कपूर। बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी। बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जराहट के जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेली एनिमल के लिए भूपेंद्र बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी OMG 2 के लिए अमित राय। बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को 12वीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जराहट के जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है।
फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फरे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है। और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ऑस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स के विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म। बेस्ट फिल्म जोरम। बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर। बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी। बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हट के जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयश पुरानिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेली एनिमल के लिए भूपेंद्र बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी OMG 2 के लिए अमित राय। बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विधु विनोद चोपड़ा। बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG 2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG 2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG 2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फरे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड
मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ओस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में। फिल्म फेयर अवार्ड्स 2024 शाहरुख रणवीर की फिल्मों को पछाड़ 12th फेल ने जीता बेस्ट फिल्म का अवार्ड। देखिए विनर्स लिस्ट। बीते 28 जनवरी की रात 69th फिल्म फेयर अवार्ड साल 2023 में आगाज हुआ। एक बार फिर एक ही छत के नीचे सितारों की महफिल सजी। वही 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में एक बार फिर सितारों ने अपनी परफॉर्मेंस से फैंस का दिल जीता। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स की विजेताओं की लिस्ट सामने आ चुकी है। आइए जानते हैं इस बार किसे बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस डायरेक्टर और फिल्म का अवार्ड मिला है। बेस्ट फिल्म बारबी फिल्म। बेस्ट फिल्म जोरम। बेस्ट डायरेक्टर बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा। बेस्ट एक्टर इन अ लीडिंग रोल एनिमल के लिए रणवीर कपूर। बेस्ट एक्टर बारबी फिल्म के लिए विक्रांत मेसी। बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल फीमेल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए आलिया भट्ट। बेस्ट एक्ट्रेस श्रीमती चैटर्जी बनाम नॉर्वे के लिए रानी मुखर्जी। बेस्ट एक्टर इन अ सपोर्टिंग रोल मेल डंकी के लिए विकी कौशल। बेस्ट एक्ट्रेस इन अ सपोर्टिंग रोल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी। बेस्ट सॉन्ग तेरे वास्ते जरा हटके जरा बचके के लिए अमिताभ भट्टाचार्य। बेस्ट म्यूजिक एल्बम एनिमल प्रीतम विशाल मिश्रा मनन भारद्वाज श्रेयस पुराणिक जानी भूपेंद्र बब्बल असीम केमसन और हर्षवर्धन रामेश्वर गुरिंदर सिंगल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल अर्जुन वेल्ली एनिमल के लिए भूपिंदर बब्बल। बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल बेशरम रंग पठान के लिए शिल्पा राव। बेस्ट स्टोरी OMG2 के लिए अमित राय। बेस्ट स्क्रीन प्ले बारबी फिल्म के लिए विदो विनोद चोपड़ा। बेस्ट स्क्रीन प्ले रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता मोइत्रा। OMG2 ने जीता बेस्ट स्टोरी अवार्ड। डेविड धवन को मिला खास सम्मान। बेशरम रंग की मची थूम। 69th फिल्म फेयर अवार्ड्स में विक्रांत मेसी की फिल्म बारबी फिल्म ने बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड अपने नाम करके बता दिया कि अच्छी कंटेंट को नजरअंदाज करना मुश्किल है। OMG2 ने अपनी शानदार स्टोरी से दर्शकों का ही नहीं फिल्म फेयर अवार्ड्स की जूरी का भी दिल जीता। दीपिका पादुकोण के विवादित गाने बेशरम रंग की गायिका ने बेस्ट फेमस सिंगर का अवार्ड जीता। OMG2 के लिए अमित राय ने बेस्ट स्टोरी का अवार्ड जीता। विधु विनोद चोपड़ा को बारहवीं फेल के लिए बेस्ट स्क्रीन प्ले का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इशिता माइत्रा को बेस्ट डायलॉग का अवार्ड मिला है। फिल्म जरा हटके जरा बचके के गाने तेरे वास्ते के लिए अमिताभ भट्टाचार्य को बेस्ट लिरिसिस्ट का अवार्ड मिला है। फिल्म एनिमल से जुड़े सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स को बेस्ट म्यूजिक एल्बम के अवार्ड से सम्मानित किया गया। पठान के गाने बेशरम रंग के लिए सिंगर शिल्पा राव को बेस्ट प्लेबैक सिंगर फीमेल अवार्ड से नवाजा गया, जबकि एनिमल के गाने अर्जुन वेल्ली के लिए सिंगर भूपेंद्र बब्बल को बेस्ट प्लेबैक सिंगर मेल का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। डायरेक्टर डेविड धवन फिल्म फेयर के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए। सलमान खान की भांजी अलीजा अग्निहोत्री अपनी डेब्यू फिल्म फर्रे के लिए बेस्ट डेब्यू एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित हुई। वही फिल्म फरास के लिए आदित्य रावल को बेस्ट डेब्यू एक्टर का अवार्ड मिल गया है और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए शबाना आजमी को सपोर्टिंग रोल के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। रानी मुखर्जी और सैफ अली शाह को उनकी फिल्मों में मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे और थ्री ऑफ ओस के लिए बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स अवार्ड मिला। वही फिल्म जोरम बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स अवार्ड के लिए चुनी गई। तो इस अवार्ड शो के रेड कार्पेट पर पहुंचे बॉलीवुड के शानदार एक्टर्स के वीडियोस हम आपको भी दिखा देते हैं, तो देखिए वीडियो में।